गुरु जी आज शिव महापुराण सुनते हुए बेटे ने प्रश्न किया, भगवती माता को भी दो रूपों में पूजा जाता है, पिंडी में और माता स्वरूप में, कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो आपके बेटे को साधुवाद, और आपको साधुवाद कि बेटा भी बैठकर कथा श्रवण कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस प्रश्न में जो पिंडी का दर्शन है, दरअसल जैसे हमारे यहाँ मूर्तियाँ हैं, है ना, मूर्तियाँ, तो मूर्ति जो होती है उसके कई आकार हैं, और कई बार मूर्ति का दर्शन सिर्फ पिंडी के रूप में भी है, लेकिन उससे उसे निराकार दर्शन की चर्चा नहीं है। आप समझिएगा मेरी बात को, निराकार और साकार दर्शन के जो सात्विक दर्शन है, जैसे देवी का हर जगह पिंडी नहीं है ना, लेकिन भगवान महादेव के तो दुनिया भर में लिंग मिल जाएंगे आपको, लिंग पूजन, निराकार पूजन मिल जाएगा आपको। तो असल में देवी का पूजन, देवी के जो दो स्वरूप की बात है, वो दो स्वरूप नहीं है, वो एक ही स्वरूप है देवी के लिए, क्योंकि देवी के लिए पुराणों में, शास्त्रों में कहीं ऐसा दर्शन नहीं है। भाई यहाँ तो शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है, वहां नहीं लिखा हुआ है। तो जहां देवी ने अपनी शक्ति को प्रकट कर दिया, उस पिंडी की वजह से, त्रिपिंडी की बात कर रहे हैं आप, जैसे जैसे वैष्णो देवी में या और भी कई जगह हैं, लेकिन उसका मतलब निर्गुण नहीं है, उसका मतलब निराकार नहीं है, लेकिन यहां शिवलिंग का मतलब निर्गुण और निराकार से है, अनंत से है, चिन्ह से है, ये समझना जरूरी है।